सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है, जो मिला उसी में खुश रहना चाहिए क्योंकि उंगलियां सिखाती है, दुनिया में कोई बराबर नहीं है। पानी दरिया में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होती हैं। लोगों को तब फर्क पड़ना शुरू हो जाता है जब आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का पंचांग 29 जनवरी 2022, दिन शनिवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात्रि 8:36 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 2:49 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:55 से 11:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मकर राशि 29 जनवरी 2022, दिन शनिवार, खुशियां मनाने का समय है। आपके किसी करीबी की शादी, इस जोड़े को आपसे बहुत शुभकामनाएं मिलेगी। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसे शादी के बारे में सोच सकते हैं। जो पहले से शादीशुदा है उनके लिए पार्टी में मजे करने का भी समय है। समय कुछ मिले जुले प्रभाव वाला भी रह सकता है। अच्छा, आपको कोई बेहतरीन उपलब्धि मिलने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित रखें, साथ ही आत्म मनन तथा चिंतन करने से आपको बहुत अधिक मानसिक शांति अनुभव होगी। किसी मुश्किल कार्य को भी आप अपने दृढ़ संकल्प से पूरा करने की क्षमता रखेंगे। दिन की शुरुआत में मौज मस्ती पर आपका ध्यान बना रहेगा। करीबी मित्र से प्राप्त हो रहे साथ की वजह से आपका विश्वास बढ़ सकता है। इस कारण व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो निर्णय आप अभी तक टाल रहे थे उसे पाना संभव होगा। अभी तक प्राप्त हुए ज्ञान और अनुभव का ठीक से उपयोग करें। उच्च शिक्षा से संबंधित निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के लोगों का साथ आपके लिए अत्यंत आवश्यक महसूस हो सकता है। पार्टनर की मदद की वजह से सही गलत बातों का अंदाजा लगा पाना संभव होगा। बालों से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। सावधानियां, घर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते समय वास्तु समेत नियमों का भी प्रयोग अवश्य करें। किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना संबंधों में कटुता ला सकता है। दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। मित्रों के साथ कोई पारिवारिक गेट टुगेदर भी संभव है। लव पार्टनर के साथ मुलाकात भी हो सकती है। आज के दिन आपके लिए बहुत खास भी होगा। आपको अपने मन की बात बताने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। अपनी बात छोटे और अर्थपूर्ण तरीके से पूरे करें। आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने के लिए भी मौका मिलेंगे। जो बात आपके मन में कई दिनों से है उसे सामने आने दें। बात करते हैं करियर की। एक उत्कृष्ट अवसर आपके लंबित कार्यों को खत्म करने के लिए आपके रास्ते में आ सकता है। इस खाली समय का पूरा उपयोग करें। हालांकि आप जिस तरीके से अपने कार्य अभी तक करते थे उन्हें आपको छोड़ना होगा। यह अपनी पसंद के घर के स्वामित्व को पाने के लिए सही समय है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों और स्टाफ का योगदान भी रहेगा। नए अनुबंध मिलेंगे जो आर्थिक नजरिए से फायदेमंद साबित होंगे।
नौकरी पेशा व्यक्तियों का किसी टारगेट को पूरा करने में कंपनी को फायदा होगा। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से अपने डाइट में काफी सारे अंतर लाने के बारे में सोचते रहे हैं, लेकिन कई तरह के संदेहों ने आपको रोक रखा है। अच्छा, आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए क्या करते रहना है, जिससे आपकी जीवन शैली पूरी तरह बदल जाएगी। जो नया तरीका आप अपनाने वाले हैं वो शुरुआत में अजीब सा लगेगा, पर आपके लिए सबसे लाभदायक यही है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को काले कपड़ों का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।